रिश्तेदार ही हैं सारी फसाद की जड़। तो राहुल के रिश्तेदार भी बहुत महारथी हैं, हमारे जीना हराम कर रखा है। अप फ्रंट क्लोज बब्जी, तूने इसको ज्यादा कमजोर नहीं कर दिया मनीष? वो कमजोर नहीं, उसने ना हाइट। अभी तुम लैब्राडोर से कटे हो, अभी तो यहाँ पे तुम्हारा पापा बैठा है बब्जी। ओला पापा, आपको कोई नहीं ला रहा, इसीलिए गुच्छा हो आप। अरे छोटी है वो मनीष, प्यार प्यार से कर। गाइज आई कैन फील हिज जॉ, ऐसे जो जकड़ी हुई है इसने बॉल, इसके सर का जितना वेट है मेरी टांग पे, मुझे एक मूवमेंट फील हो रही है कि ये कितनी जबरदस्त तरीके से बॉल को ग्रैब करती है। राम इसने फिर पकड़ ली, नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ बब्बे, थोड़ा दूर करो, लीव की बब्बे, कम 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 कम, बब्जी 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 मत कर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मिथोलॉजी। और आज का व्लॉग हम लोग थोड़ी लेट स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम हो रहा है 2:15। हम लेट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर वन, एक तो आज हमारी कोर्ट की डेट थी, कोर्ट, हाँ आपने सही समझा, कचहरी। आई डोंट नो कि किस एज ग्रुप के लोग हमारा वीडियो देखते हैं गाइस, ये भी ज़रा कॉमेंट सेक्शन में बताना कि किस एज ग्रुप के लोग हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं। अगर बच्चे हैं तो ठीक है, अगर मैच्योर लोग हैं तो वो समझ सकते हैं कोर्ट डेट सीरियस होती हैं। ऑफकोर्स आपने कुछ किया होता है, आपके साथ कुछ हो रहा होता है लाइफ में, तभी आप कोर्ट जाते हो। तो कोर्ट डेट थी, राहुल के ऊपर केस चल रहा है, और कोई ऐसा वैसा केस नहीं है जो आजकल, आपको पता है ये रिश्तेदार होते हैं हरामखोर, उन्होंने किया हुआ है। तो पता है, मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, अगर जो लोग अग्री करते हैं ना मेरे साथ, बच्चे हैं तो बच्चों का भी एग्जांपल दूंगी, लेकिन जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप मानते हो ना कि आजकल अपने ही दुख देते हैं और अपने ही धोखा देते हैं और अपने ही तंग करते हैं, रिश्तेदार ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा आपका बुरा चाहते हैं। दोस्त यार और जो लोग आपसे इतने कनेक्टेड नहीं होते, वो आपका फिर भी भला चाहते हैं। और बच्चों, आपके केस में ये रिलेटेबिलिटी बैठती है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं स्कूल में, या आपके पेरेंट्स को नहीं इतना फर्क पड़ रहा, लेकिन ना रिश्तेदार आके जरूर आग लगा के जाएंगे, हाँ जी जी आपकी बेटी के कितने नंबर आए, अच्छा जी हमारी बेटी के तो इतने आए, ये वो। तो बेसिकली रिश्तेदार ही हैं सारी फसाद की जड़। तो राहुल के रिश्तेदार भी बहुत महारथी हैं, हमारे जीना हराम कर रखा है, और हर 2-3 महीने में कोर्ट में जाके पेशी लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है वो कुछ इतना रेलेवेंट नहीं, और हमें उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम जाते हैं पेशी लगाते और आ जाते हैं, और दैट्स इट। तो ये होता है, जाना पड़ता है। तो 30,000 कोर्ट गए थे, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे, थोड़ा टाइम भी बंदे का लग जाता है। उसके बाद थोड़ा ऑफिस का काम किया, और अब शिवाय को छोड़ के आए नानी हाउस, उसकी आज सेंटर में स्पीच थेरेपी की क्लास है, तो वो करेगा। और राहुल ने रस्ते में क्या किया, अपने लिए खरीदी है बिरयानी, और ये बंदा ना पता नहीं क्या करेगा, साथ में खमीरी रोटियाँ ये, और ये क्या है साथ में, ये क्या, चिकन कोरमा। राहुल तेल देख रहे हो इसमें गाइस, मैं ना आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप राहुल से प्यार करते हो ना गाइज, मैं चाहती हूँ कमेंट सेक्शन भर जाए कि राहुल भैया ये सब खाना छोड़ दो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो प्लीज, राहुल के लिए ना, राहुल को मिलके समझाओ थोड़ा सा, कभी नहीं सुधरेगा। और नीचे भी कुछ है, नीचे क्या है, बिरयानी। हो गए तुम पतले राहुल, कैसे शादी में बचे हैं सिर्फ कुछ हफ्ते, और मैंने सोचा था कि खर्चा बच जाएगा, राहुल के लिए कुछ कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे, और राहुल के शादी के कपड़े चल जाएंगे, कोट पैंट 3-4 हैं शादी के, जिसकी कमर कितनी थी उस टाइम पर राहुल तुम्हारी वेस्ट साइज 36, और आज की डेट में तुम्हारी कितनी होगी 42, हाँ इतनी तो 42। तो अब तो इनको कुछ आने से रहा, अब मेरा खर्चा एक और बढ़ गया हम दोनों का मिलके, कि इनके कपड़े खरीदने, और कब खर्चा लोग कपड़े 11 तारीख से, क्योंकि मैं पतला हो जाऊंगा, मतलब जाने से सिर्फ 5-7 दिन पहले ये कह रहे हैं, मेरा वेट ना भी 2 हफ्ते के अंदर ही 10 किलो गिर जाएगा, इनको अभी भी मतलब ऑप्टिमिस्टिक है इस खाने के साथ। तो आज क्या वेट है तुम्हारा, 111, और तुम किस डेट तक कह रहे हो तुम्हारा, 10 तारीख तक, मतलब अभी 11 दिन रह गए 10 तारीख, तो तुम कह रहे हो 10 तारीख तक 11 दिन में तुम कितना किलो कम कर लोगे, 100 किलो पे आ जाऊंगा। ठीक है गाइज, हम लोग ना 11 तारीख को, अगर मैं भूल जाऊँ ना 10 या 11 को, तो आप जरूर याद रखना कि राहुल का उस दिन का वेट आप लोगों को जरूर खाना है। अभी के लिए मैं इनका खाना सर्व कर रही हूँ, और मैंने अपने लिए मंगाई है चिकन हमस और पीटा ब्रेड, और वो खा के मैं फिर अपने ऑफिस के काम में फिर से बैठ जाऊंगी, बहुत काम है, बहुत वाट लगा रखी है। खूब चटोर है लड़का गाइस, खूब चटोर, देखो हरकत है, तेल देख रहे हो इसमें राहुल, इससे कैसे पतले हो गए तुम बताना जरा, तुझे पता मैं क्या खा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे घर में हो रही है पेस्टिसाइड, कीड़े मकौड़े आने स्टार्ट हो गए थे, कितनी सर्विस हो गई हमारी, कितनी है, तीसरी हो रही है, तीसरी हो रही है। और सर इस बार तो बड़ी जल्दी आ गए वैसे, मैंने बुलाया फोन पे, हाँ मैंने बुलाया, कीड़े शुरू हो गए ना, बारिश लगी, हाँ तो अब बारिशों के लिए सिक्योर हो जाएगा। एक बीच में छिपकली भी आई थी, पता नहीं कहाँ गई। तू क्या कर रहा है यहाँ पे, बब्जी है, मैंने दरवाजा खोला, बब्जी बैठा हुआ था, ये नीचे कैसे पहुंचा हुआ है, बब्बे आप कैसे आए, अंदर नहीं आना मेरे लाल, अभी नहीं आना, पेस्टिसाइड हो रहा,
ये चाट सकता है ना? मैं इसको ऊपर ले जाऊं? ऊपर ले जा है ना। चलो बबजी तू यहाँ क्या कर रहा था बैठा अकेला? तेरे को कोई छोड़ गया? तेरे को शुशु पोटी आई है? बता लड्डू कहाँ हुआ है? चलो ऊपर आ जाओ, आओ। मेरा पारा बच्चा गर्मी में बैठा हुआ है सीढ़ियों के अंदर। चलो अंदर, चलो 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 बब्बे, चलो चलो चलो, मम्मा खोल रही है। मेरा बच्चा बब्बे कम कम, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये क्या हो गया, ओला को बांध रखा है तूने? आज तो यहाँ पे फुल हाउस हो रहा है, बब्बी काट लेगी। ये बंधी हुई है छोटी जोई, यहाँ पे बंधी हुई है लेडी ओली। तूने इसको भी बांध रखा है लेडी ओली को? लेडी ओली ने किसको नहाने नहीं देती, कहती है मेरे को भी नहलाओ और इनको बांधो बस ना मुझे बांधो। तूने इसको ज्यादा कमजोर नहीं कर दिया मनीष? वो कमजोर नहीं, उसने ना हाइट जोर दे दी। इतनी कोई हाइट नहीं, तुझे खाना ही नहीं दे रहा ठीक से। खाना अच्छा खाती है इसकी बहन है ओला की, है जितना दे दो उतना कम है। बब्बे को कितनी प्यास लगी हुई थी है ना। ये सीढ़ियों में क्या कर रहा था नीचे? ये इसको मैंने छोड़ा हुआ था ताकि ना इनको इन दोनों को छोटे वालों को मारे ना जोई और। तो मैं गलत ले आई इसको? कोई नहीं, वो बंधे हुए हैं दोनों। ये देख ना बब्जी को छेड़ रही है। तू बेटा अभी अभी तू एक डॉगी से कटी है, तेरे को फिर से कटना है। लोग पूछ रहे थे कि इसके क्या हुआ रखा है, बता क्या हुआ इसको रॉक्सी को? इसको मेरा जो लैब्राडोर है उसने काट लिया है, और उसने काटा हुआ कहते हैं लैब्राडोर तो काटते नहीं है, पर वो ना खाना खा रहा था ना तो ये उसके पास चली गई थी, इसलिए उसने अटैक कर दिया इसको। अभी तुम लैब्राडोर से कटे हो, अभी तो यहाँ पे तुम्हारा पापा बैठा है बब्जी। बब्बे नो बब्जी, मेरा बच्चा ये देखना गाइस। ओले, मैंने ओले को ना पहली बार बंधा हुआ देखा है। गाइस जरा ये देखना बब्जी को क्या कर रहा है ये मेरे साथ। पता नहीं आज इसको क्या हो गया, मेरे पास आ गया और लाड ले रहा। कभी कभी ना ये करता है ऐसे, बहुत रेयर लेकिन करता है मेरा बच्चा बब्बा। और सबसे पहले आज चल रहा है यहाँ पे बात किसका, हस्की रॉक्सी का। क्या नहलाता है मनीष इसको? तो इसको अभी इसके चोट लगी हुई थी तो मैं नहला नहीं रहा था, वरना तो हफ्ते में तो इनको दो बार नहलाना पड़ता ही है क्योंकि ये वाइट है ना, गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसके तो वैसे भी दवाइयाँ लगी हुई थी पीली। इसको हटाया ना दे बब्जी को, इधर चलो बब्बे सिट डाउन। ओए हस्कू छोटा सा रॉक्सू, इसको तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इसको। पानी ना अकल से यूज करियो। उस दिन ही भैया को इतनी ना वो पड़ी है सबसे गाली, भैया खुला छोड़ जाते, भैया इतना वेस्ट करते पानी। बब्जी आपको तो पानी पसंद नहीं है ना लड्डू? देखो क्या कर रही है, वो कह रहा मुझे पसंद नहीं है पर देख के मैं थोड़े मजे से कर सकता हूँ। रॉक्सी यार आंखें बड़ी सुंदर है, अपने नाम से सुनने लग गई है, सुनती है बात मानती है। बब्जी तू क्या मुझे डराई जा रहा है, आके मेरे साथ चिंबड़ रहा है? प्यार कर लूंगी तो फिर तू और मेरे साथ वो करेगा। हो गई शुरू लड़ाई, इसको तो मजे आ रही गोली चुटी, चुई लगती है मुझे चुई। शैम्पू से नहलाया जा रहा है मैडम को। मैडम रॉक्सी मैडम, देखते हैं कितनी चिट्टी निकल के आती है आज। इसको तो रज रज के खिला, इसको तो मोटा कर तब मजा आएगा, मेरे को तो बड़ी कमजोर लग रही है। लिमिट से ज्यादा खाना खिला देना अगर छोटे पपी को तो उनके ना लूज मोशन लग जाते हैं, तो हम लिमिट से ज्यादा खिला नहीं। क्या खिला रहे हैं? पेडिग्री दे रहे हैं, सुबह के टाइम तो दलिया पेडिग्री मिक्स करके थोड़ा मिल्क, और दोपहर में इसको देते हैं पेडिग्री रोटी, और शाम को खाली पेडिग्री और एक अंडा। अंडा खा रही है? फुल है क्या वाइट? हाँ जी फुल अंडा की वाइट नहीं, वाइट वाइट। हाँ गर्मी है ना, फुल नहीं दे, गर्मी है फुल नहीं दे सकते। जो सबसे शैतान है तू, सबसे शैतान है ये जोई, सबसे ज्यादा। देखना कैसे कर रही है, है पागल पैदा हुई थी पगलैटी। ओले लड़ पड़े दोनों बॉल के लिए, इनको सिर्फ बॉल की पड़ी है। गाइस जरा देखो यहाँ पे ये बब्जी है, बब्जी, और वहाँ से ना उसको देखो बंदी पड़ी को ना, इसको ज़्यादा ना शौक चढ़ रहा है यहाँ पे आने का। बब्जी ना यहाँ मेरे साथ चिमड़ा हुआ है। क्या हुआ बब्बे, गर्मी लगी पापों को? मैं बब्बे आ जाओ फ्री हो तो आ जाओ, आ जाओ। राहुल नीचे से बोल रहे कि क्या कर रहे हो ये, वो देखो
रॉक्सी है। हाँ रॉक्सी ना आ रही है, ये देखो बब्जी, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। और अभी ना राहुल नीचे खड़े थे और नीचे से हमसे बातें कर रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, और वहाँ से ना एक बच्चा और एक अंकल पास कर रहे थे, उसके फादर होंगे शायद। और ना बब्जी ना बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ गए गाइस, इसकी शक्ल देखो बिल्कुल अलर्ट मोड पे कि मेरे पापा खड़े हैं उनके साथ, कौन पीछे खड़ा है। और ये हमारे नेबर है राहुल के फ्रेंड, और इनको देख के तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बब्जी बार्क ना करे, पता नहीं इसको क्या खुंदक है। हाँ बब्बे, अप फ्रंट क्लोज बब्जी, बब्जे बब्जी बब्जी, तू क्या कर रहा है, उसकी क्या सूंघ रहा है बेटा, गंदी बात, गंदी बात बेटा, गंदी बात। किसी दिन रॉक्सी और बब्जी के बच्चे हुए तो काले निकलेंगे, गोरे निकलेंगे, हैं? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते है ना, इसको डोंगा बॉल ले लिया, डोंगा बॉल ही लेके गई है, ओली तो है ये रहा। ओला बाबा, आपको कोई नहीं ला रहा, इसीलिए गुच्छा हो आप। ओले, ओए मेरी ओली। तो यहाँ पे ना रॉक्सी ना शैम्पू तो अच्छे से लगवा लिया था इसने, लेकिन ना वो नहीं कर रही, क्या बोलते, पानी नहीं डलवा रही, रो रही है। अरे छोटी है वो मनी, तो प्यार प्यार से कर, करती है क्या? देखना अब कैसी काली काली लग रही है। बब्बे नहाने दे बेटा। हेलो राहुल, यहाँ राहुल आए हैं लेकर ओला बब्बा का खाना, और इनका सारा ध्यान डाइवर्ट होकर पहुँच गया है खाने के अंदर। ये देखो कैसे कर रहे हैं खाने के नाम पे। ओले साफ हो गई। हाँ साफ हो गई, सुंदर हो गई। बब्जी को ना प्यास लग रही है ना, उसको जाके चाट रहा है, उसके ऊपर का पानी लिख कर। पर यार बहुत कमजोर हो गई है ये। हाँ तूने ढंग से नहीं रखा मनीष, बेचारी बीमार हो गई थी ना इसलिए। नहीं तो अब इसको खिलाओ अच्छे से यार, आज बड़े मूड में है, आज मम्मा पे बड़ा प्यार आ रहा है, बॉल है इसके मुँह में तभी प्यार आ रहा है। ओले गुड्डे, तेरे को किसी ने क्यों बांध दिया गाइस? ओले को इसीलिए बांध है क्योंकि ना यहाँ पे ना हस्की ना आ रही है, फिर जोई ना आए, और अगर हम ओले को नहीं बांधेंगे ना लेडी ओली को, तो ये किसी को नहीं नहाने देगी, ये खुद पानी में टप्पे खाएगी, और बब्जी को नहाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बस बॉल पकड़ के बैठा। और लिटरली गाइस आई कैन फील हिज जॉ, ऐसे जो जकड़ी हुई है इसने बॉल, इसके सर का जितना भी वेट है मेरी टांग पे पड़ रहा है, मुझे एक एक मूवमेंट फील हो रही है कि ये कितनी जबरदस्त तरीके से बॉल को ग्रैब करती है। अब ना मैं इतनी क्रिटिकल पोजीशन में फंस गई हूँ, इसने बॉल ना मेरी टांगों के बीच में फंसा ली है, अगर मैं हाथ डाल के निकालूंगी तो मेरा हाथ पकड़ लेगा, और डाल तुम्हारा दिमाग खराब है, उसके पास चली गई, अब तो रॉक्सी गई, अब तो कटी रॉक्सी, कटी रॉक्सी, कटी बच गई। आजा बब्बे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा सोना बाबा। तुम्हें पता है एक नई वर्ड हुई है, नया वर्ड इन्वेंट हुआ है, शॉर्ट ले लो ना ये, एक ना नया वर्ड इन्वेंट हुआ है, पूछो क्या? क्या? DINK, डिंक, उसका मतलब पता है क्या? डबल इनकम नो किड्स। कपल्स जो है ना आजकल क्या कर रहे हैं, खुद अर्न करते हैं दोनों, पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनकम डबल हो गई दो बंदों की, नो किड्स, कोई बायोलॉजिकल बच्चे पैदा नहीं करते, डॉग्स रख लेते हैं, घूमते हैं फिरते हैं ऐश करते हैं। आजकल ये नया कॉन्सेप्ट मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा है, बहुत अच्छा है ना, तो तू भी ये भी डिंक बनेगा है, बीवी लाएगा कमाऊ, कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा, 6-7 कुत्ते रखेगा, अपनी लाइफ एंजॉय। देखो बच्चे भी खिलाने, डॉग्स भी खिलाने, और डॉग्स चुपचाप रात को सो जाते हैं, बच्चे नहीं सोते रात को, बहुत दुखी करते हैं, और डायपर लगाने की भी जरूरत नहीं है, निप्पल लाने की जरूरत नहीं है, और स्कूल की फीस भरने की जरूरत नहीं है। अब जोई की बारी है नहाने की, जोई नहाएगी, जोई का तो पहला बात है। यार राहुल ये कितना क्यूट है यार, हाय राम इसने फिर पकड़ ली, नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा, बब्बे थोड़ा दूर करो, लीव, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे भाई, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए काट देगा उसको, नहीं काटेगा, काट लेगा वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। राहुल यहाँ पे हो रही है बब्जी और हस्की, उसको हटाओ, बब्बे कम 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 कम, बब्जी 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 मत कर, अरे सूंघ रहा यार राहुल, उसका पता नहीं अगर वो कर दे तो, वो ऑलरेडी बेचारी एक बार लैब्राडोर से कट चुकी है यार, हद हो गई यार,
इसको भी ना काफी मैंने देखा है ना, चुल मची हुई है। रुक्सी सिट सिट सिट, आंखें दिखा रही है। सिट नो सिट सिट सिट, सुने 500 ग्राम की बैठ जा, 500 ग्राम की भी नहीं है तू। चुनो, अब बारी आई है जोई की। चलो जोई नाई नाई करे, ओला तू पीछे हो जा। अब जोई देखते हैं कि नाते हुए क्या निकल के आती है। उसको दे रहे छोटी सी को ट्रीट है, बिगाड़ रहे हो अभी से हस्की को। अरे जरूरी है। और यहाँ पे स्टार्ट हो गया है जोई का फर्स्ट बाथ। और ओम नमः शिवाय, जोई तू सदा ही सदा नहाए। जोई कैसा लग रहा है? कान फोड़ कर, पहले कान फोड़ कर, कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ राहुल पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। बस कैसी लग रही है ना, सारे ब्राउन और ब्लैक बाल ना आपस में मर्ज हो गए। क्या निकल गया ये पतली सी, कितनी कमजोर लग रही है। सिर्फ ना बालों बालों का इफेक्ट था राहुल इसके ऊपर। पहले बैठ, सिट सिट, गुड गर्ल, सारा कहना मान। हाथ भी खाएगी, हाथ भी खाएगी। बाबा मत मत, हाय राम ये कैसी हो गई है। अब ये झाड़ेगी अपने नीचे पानी मार, मेरे ऊपर झाड़ेगी। जोई भाई ये तो शक्ल ही बदल गई गाइस, जरा देखना कैसी लग रही है ये। ये कौन है? अरे कर क्या रहा है ये? ये कहां से खुल के आ गई? टाइट बांधियो।